हेलो बच्चों, जिसकी सब बच्चों को पता होगा कि आज वेडनेसडे और आज देशभक्ति का पीरियड है, ठीक है। और देशभक्ति के पीरियड में हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कहानी पढ़ेंगे, हमारी थर्ड कहानी। फर्स्ट डे तो जो थी हमारी थी वो हमारी थी आई थिंक, चलो छोड़ो, मेरे दिमाग में थोड़ा आ नहीं रहा है अभी फिलहाल। फर्स्ट कहानी पढ़ चुके हैं हम, सेकंड कहानी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट जो कहानी थी वो हमारी 2 पेजेस की थी, एंड जो हमारी सेकंड कहानी थी वो 1 पेज की थी, और जो हमारी थर्ड कहानी ये भी बस 1 ही पेज की है। यानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरी कहानी हमारी, और इसका पेज नंबर मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका पेज नंबर है 4, ठीक है। इसका पेज नंबर 4 है, और कहानी का जो नाम है वो है हमारा राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। अब हमें इस कहानी से क्या मोटिवेशन मिल रही है, इनकी कहानी क्या है, वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करें हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी की कहानी। एक बार आप पिक्चर देख सकते हैं, और वैसे आपने थंबनेल भी देख ही लिया होगा। सबसे पहले हम कहानी थोड़ी सी ब्लर हो रही है, इसे सही करते हैं। जो आपको टेलीग्राम पे मैंने PDF सेंड किया है ना, उसमें ये कहानी बिल्कुल अच्छे से सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ पर आके थोड़ा सा बोर्ड के पास इसकी थोड़ी सी ऊपर की जो लाइन है ये थोड़ी सी ब्लर हो रही ब्लर हो गई है, वैसे PDF में बिल्कुल सही है। शुरू करते हैं, चलो। मुझे पेंसिल ले लेनी चाहिए, क्योंकि कलर में इस पर अगर यूज़ कर लेती हूँ ना तो प्रॉपर नहीं दिखता है इसका, क्योंकि मैं खुद से ही पिक क्लिक करती हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जब भी देशभक्ति की बात होती है तो आज भी दो सबसे महत्वपूर्ण गाने आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला और देशहित पैदा हुए हैं देश पर मर जाएंगे। यानी जब भी हम देश जो देशभक्ति की बात करते हैं तो हमने दो मतलब गाने तो ऐसे सुने ही हैं, क्योंकि देशभक्ति के ऊपर बहुत सारे गाने हैं, लेकिन दो फेमस गाने, एक तो ये मेरा रंग दे बसंती चोला ये वाला गाना सुना है, और एक और गाना है देशी पैदा हुई है, ये गाना पर मैंने नहीं सुना, बस मैंने रंग दे बसंती चोला तो सुना है। तो ये दोनों गाने बहुत फेमस हैं, ठीक है। जब भी देशभक्ति की बात आती है तो कविताएं, गीत वगैरह भी इंसान को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं। आगे पढ़ते हैं। आज भी जब युवा इन गानों को सुनता है तो उसके अंदर देशभक्ति की भावनाएं मरने लगती है। हाँ, उफान मरने लगती है। अब जो भी लोग गानों को सुनता है, एक बार मैं बता दूँ, मैं ये दोनों ही गानों को नहीं सुनता, और भी तो देशभक्ति के बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे शायरियाँ वगैरह जो होती हैं, अगर उनको सुनने लग जाता है ना एकदम बुब्स, जो हमारे रोंगटे होते हैं ना वो थोड़े खड़े होने लग जाते हैं, क्योंकि जब अपने देश की बात आती है तो थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हर लोगों को अपने देश से प्यार होना चाहिए, और ऐसा बनना चाहिए कि अपने देश के लिए कभी भी किसी वक्त मर मिटने को तैयार हों, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहें, जब भी देशभक्ति की बात आती है तो दो गाने भी बहुत फेमस है, तेरा रंग दे बसंती चोला और देशहित पैदा हुई है, रंग दे बसंती चोला और देशित पैदा हुई, आई थिंक यही गाना यही, या फिर देश पर मर जाएंगे ये वाला गाना है, पता नहीं, हाँ देश पर मर जाएंगे ये है गाना, ठीक है, मैंने नहीं सुना है। उसके बाद उफान मारने लगती है, ये दोनों गीत महान क्रांतिकारी भारत माँ के सच्चे वीर सपुत्र सपूत और आज़ादी के आंदोलनकारियों के सबसे लोकप्रिय कवि राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखे हैं। वाह, ये जो तो फेमस गाने हैं ये हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ही लिखे हैं, ठीक है, ये जो फेमस गाने हैं देश के लिए। आगे पढ़ते हैं। कहानी बहुत छोटी सी है, सो ध्यान से सुने।
चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। जब जब भारत के स्वाधीनता इतिहास में महान क्रांतिकारियों की बात होगी, तब तब भारत माँ के इस वीर सपुत्र का जिक्र होगा। जब तक हम भारत की बात करते रहेंगे, भारत के इस इतिहास की बात करते रहेंगे, महान क्रांतिकारियों की बात करते रहेंगे, जब तक ये जो हमारे वीर हैं, हमारे वीर सपुत्र हैं, इनका भी जिक्र होता रहेगा। किसका जिक्र होता रहेगा? राम प्रसाद बिस्मिल जी का। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि उच्च कोरी के कवि, शायर, अनुवादक, बहुश्विद व सत्यकार भी थे। इन्होंने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। हमने राम प्रसाद जो थे वो एक क्रांतिकारी नहीं थे महान, बल्कि वो क्या थे, उच्च कोटि के कवि थे। कवि मतलब जो कविता लिखते हैं वो लिखते थे, शायर थे शायरी लिखते थे। और इनफैक्ट अभी हमने दो इनके गाने भी सुने, रंग दे बसंती चोला, और एक और गाना देखा भी हमने इनका, देश पर मर जाएंगे, एक ये वाला गाना भी हमने देखा इनका ये। ठीक है, दो गाने अगर आप चाहें तो इनको YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा किसने लिखा क्या है इसकी पूरी डिटेल। ठीक है, और आप सर्च भी कर सकते हैं रामप्रसाद बिस्मिल के दो महान गाने। ठीक है, ठीक है, और इन्होंने कई सारे अनुवाद वगैरह बहुशिकारी ये सब लिखे हैं। और इन्होंने अपनी बहादुरी से, अपनी सूझबूझ से अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की आज़ादी के लिए केवल 30 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी बिस्मिल। अपनाम के अतिरिक्त वे राम और आज़ाद के नाम से भी लेख व कविता लिखते थे। यानी हमने अभी देखा कि कविता वगैरह भी लिखते थे। और इनकी सिर्फ उम्र, इनकी एज ओनली 30 इयर्स थी। कितनी? 30 इयर्स इनकी एज थी। और इन्होंने इसी उम्र में अपने प्राण दे दिए थे, मतलब अपनी इनकी मृत्यु हो गई थी। किस वजह से? देश की वजह, देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इस वजह से हो जाता है। क्या पढ़े हम? उनकी प्रसिद्ध रचना मेरा रंग दे बसंती चोला, ये गाना मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। अगर आपको भी ऐसे कोई देशभक्ति की गाना आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, पुराने, नए तो नए हैं ही कितने, नए तो लोग ज़्यादा बनाते ही नहीं, पुराने ही हैं जो ज़्यादा फेमस रहते हैं। मुझे भी दो तीन उसमें से आते हैं बहुत सारे, बट मुझे उनके लेखक वगैरह नहीं पता। अगर आपको पता हो कोई ऐसा फेमस गाना पुराना तो आप ज़रूर बताना उस गाने को किसने लिखा कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पता हो तो। चलिए, गाते हुए ना जाने कितने क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए। यानी इस गाने को गाते गाते कई लोगों की जान भी चली गई, उनको फांसी भी हो गई। इतने अच्छे थे पहले के लोग, अपने देश के लिए हर चीज़ करने को तैयार थे। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल ने मैनपुरी कांड और काकोरी कांड को अंजाम देकर अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया था। अभी मैनपुरी कांड और काकोरी कांड देखते हैं क्या है। लगभग वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं भी उन्हें प्रकाशित किया। उनके जीवन काल में
प्रकाशित हुई। लगभग सभी पुस्तकों को ब्रिटिश सरकार ने जब्त आई थी ये या जब्त कर लिया था। कैसे कैसे लोग आए थे ब्रिटिश, जो जिन्होंने हमारे देश पर ही कब्जा कर लिया था। पर वो तो शुक्र है कि इतने अच्छे अच्छे हमारे देश में लोग थे पहले ही, आई थिंक अब ना हूँ क्योंकि अब तो कोई दिखता ही नहीं है ना। बट जो भी अभी वीडियो देख रहा है उसे ऐसा बनना चाहिए अपने देश के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पार्टी के कार्य हैं तो धन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए बिस्मिल ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। उन्होंने खजाना लूटने की योजना बना ली थी। कहा कि बिस्मिल ने सरकारी योजना, क्योंकि सरकार तो वही बन रहे थे जो ब्रिटिश लोग आए थे, उन्होंने कब्जा कर लिया तो उनके ऊपर ही जो बोल रहे थे वही सब कुछ हो रहा था, है ना। उनके नेतृत्व में कुल 10 लोगों जिनमें अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र के बाद लहीड़ी चंद्रशेखर आज़ाद। हमने चंद्रशेखर आज़ाद की भी कहानी पढ़ी है ना अभी, है ना। और ये शशिंद्रनाथ बखरी, ममथनाथ गुप्त, मनमनाथ है बच्चे, मनमनाथ, ये थोड़ा लड़ हो रहा है ना टेलीग्राम के पीडीएफ में, आपको सही लगेगा। गुप्त मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल आदि शामिल थे। ने लखनऊ के किसे 10 लोगों ने, ये 10 लोग कौन थे, ये सब ये जो 10 लोग हैं, ठीक है, ने लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर ट्रेन रोककर 9 अगस्त, ठीक है सर, हाईलाइट कर देती हूँ मैं, पूरे में हो रहा है बट चलो कोई नहीं, हम नॉर्मल इस पर अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि ये जो थोड़ी थोड़ी डेट्स वगैरह है ना ये याद होनी चाहिए। अभी के लिए नहीं, आगे कभी भी आप कोई सा भी एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हैं तो उस पर SST में पूछ लिया जाता है, ठीक है, आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना इसे। आगे पढ़ते हैं। 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लूट लिया। 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल के साथ पूरे देश में, देखा पूरे देश में 40 से भी अधिक लोगों को काकोरी डकैती मामले में गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जिस दिन उन्हें फांसी की जानी थी उस दिन बिस्मिल सुबह कसरत कर रहे थे, ठीक है, उन्हें कसरत करता देख जेलर आश्चर्य में आ गया कि वो कितनी आराम से कसरत कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पे ये सब हो रहा है। ओफ पेंसिल, अरे जो बच्चों मिल गई पेंसिल, पता नहीं कहाँ चली गई थी, सो आ गए। उसके बाद जेलर ने उनसे पूछा, तुम्हें कुछ ही घंटे में फांसी होनी है, कसरत क्यों कर रहे हो। बिस्मिल जी ने जवाब दिया, देखते हैं अब, बिस्मिल ने जवाब दिया था कि वे भारत माता के चरणों में अर्पित होने वाले फूल हैं, उन्हें मुरझाया हुआ नहीं देना नहीं होना चाहिए बल्कि स्वयं सुंदर दिखना चाहिए। सो यही थी हमारे बिस्मिल जी की कहानी, राम प्रसाद बिस्मिल।